सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का एक लोगो हमने इसे बना के इसके अंदर लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बेसिक शेप बनाएंगे, एक एलसीडी का शेप बनाएंगे, ठीक है, और उसी से हम उसमें कलर डाल देते हैं सपोज टू बी, और उसी में हम क्लिक करके इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं, और फिर इसका एक सीपीयू का शेप बनाएंगे, ऑल्टर के साथ ले लेंगे बराबर में, और बस इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ऐसे वर्टिकल कर देंगे, तो ये सीधा हो जाएगा और ये इस तरह से शेप निकल आएगा इसका सीपीयू और एलसीडी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हमने ये करना है कि एक सीपीयू का शेप निकाल लिया, एलसीडी का निकाल लिया, एक कीबोर्ड का शेप निकालना है, तो वो भी इसी से निकाल लेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेंगे यहाँ से नीचे से, और इसको ऑल्टर के साथ थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि उससे थोड़ा छोटा नज़र आए, और इसको एक साइड पर रख के थोड़ा सा और इसको कम कर लेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो इस तरह से लेके कीबोर्ड का शेप निकालेंगे, क्लिक करेंगे नीचे वाले दोनों एक्शंस को लेके, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, तो ये इस तरह से नज़र आएगा इसके साथ। थोड़ी सी इसकी हाइट को और कम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, सीपीयू की हाइट के साथ रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का शेप इस तरह से निकालेगा। देखिए माउस का शेप, तो माउस का शेप आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये इस तरह से निकलेंगे माउस का पैनल, ठीक है। हाँ, वो स्टाइल्स वगैरह थोड़े से और ऐड करने तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब तो उसके लिए फिर आप क्या करना है कि इसके अंदर अगर कोई एक सिंपल सा शेप बता रहा था कैसे बनाना है इसके अंदर, तो अब अगर माउस को बीच में से डिवाइड करना है या इसी तरह का कुछ काम करना है, तो एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर आप यहाँ से ऐसी ऑल्टर शेप लेके इसको यहाँ पे रखें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे क्लिक करके इसको कोई और कलर दे दें सपोज टू बी ये, और उसको रख के एक इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इस चीज़ को, तो शेप बिल्डर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके हम अल्टर का बटन दबा के इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको इस तरह से दिखा देते हैं, तो ये देखिए माउस का शेप इस तरह से बन जाएगा। फिर रह गया इसके बीच में एक सेपरेटर लगाना है जो इसको इस तरह से डिवाइड करेगा, तो उसमें भी इस तरह से लेके हम एक सेपरेटर बना सकते हैं, इस तरह से रख के इसको आप एक सेपरेटर बना दें, इसमें एक कलर डाल दें अलग से, या फिर सपोज टू बी हमने इसको एक कलर दे दिया, इसी से मिलता जुलता कोई कलर दे देते हैं, चलो इसको ग्रीन कलर दे दिया। अब इसको आपसे सेलेक्ट करेंगे, तो अब इस पर देखिए किस तरह से ये एक अलग से बटन आपने इसका निकालना है, तो इस बटन को निकालने के लिए थोड़ा सा और आगे कर ले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखें, ये आधा ही हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपने शेप बिल्डर लेना है ऑल्टर के साथ, इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव नहीं करना, इस पर क्लिक करें, बल्कि इसको इसके साथ दोबारा जोड़ दें, और ये देखिए इससे सेपरेट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसका कलर अगर हमें कुछ इस तरह का रखना है कि सपोज टू बी थोड़ा डार्क रख देते हैं, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क में वेरिएशन ले आते हैं, ये दोनों सेम हो गए और ये थोड़ा सा ऐसे डार्क हो गया, तो ये देखिए एक माउस का शेप इस तरह से निकल सकता है इसके अंदर से, सही है। तो इस तरह से कोई भी एक शेप आप माउस का निकाल सकते हैं जो बेहतर तरीके से हो। इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, इसको कंट्रोल सी अल्टर के साथ एक कॉपी लेके इसको थोड़ा छोटा करके इसी के अंदर यहाँ पे ला के इसको इस तरह से रख दें, और इसके ऊपर कोई कलर खलक सा कोई कलर डाल दें फिर इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से भी एक शेप इसका निकल आएगा। सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसके साथ शिफ्ट के साथ क्लिक करके क्लिक करें इसकी बेस पे सेट कर दें ताकि पूरा अंदर तक ऐसे नजर आए। तो इस तरह एक माउस का शेप जो है परफेक्ट आप इसमें से निकाल सकते हैं। क्लिक करेंगे इसको और यहाँ से इसको ग्रुप कर दें, ये ग्रुप करके एक शेप बन गया माउस का। अब इसका लिए वायर, तो वायर बनाने के लिए इसमें से आप यहाँ से यूज़ कर लें जो हमारे पास टूल है जिसका नाम है पेंट ब्रश टूल है, इसको यूज़ कर लेते हैं, या ब्लॉब ब्रश टूल है इसको यूज़ कर लें। देखें ये इस तरह यूज़ होता है, इस पर डबल क्लिक करें, इसका जो थिकनेस लेवल है वो अभी 2 पिक्सल पे सेट कर दें, इसको आप ओके कर दें तो ये इतना पतला है, और अगर इस पर आप क्लिक करके डबल क्लिक यहाँ से इसका जो लेवल है दोबारा से इसको 1 पिक्सल पे रख देंगे तो 1 px करके ओके करेंगे तो ये देखिए इतना हो जाएगा, इतना सही है। तो इसके लिए एक तार बनाने के लिए हमें करना ये है कि इसे पकड़ा और इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर राइट बटन दबाया और यहाँ से सेंड टू बैक कर दिया इसको, ये इसके पीछे चला गया। क्लिक किया, वायर का कलर जो है यहाँ से लेके हमने ये कलर लगा दिया वायर के ऊपर, ठीक है। तो ये इधर आ गया, क्लिक किया हमने, दोबारा से क्या कर दिया इसको ग्रुप कर दिया, उठा के माउस को ले जाके हमने यहाँ बीच में रख दिया इनके, ठीक है। और इसके बाद इसको हमने राइट बटन दबाया और उसको सेंड टू पैक कर दिया, ये ली गई है इस तरह से, सही लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो ये थोड़ा टेढ़ा इस तरह से हो जाएगा, ओके, सही। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। अब बनाना है अपने एलसीडी को, तो एलसीडी को कैसे क्रिएट करना होता है, देखिए एलसीडी के 4 कॉर्नर तो स्क्वायर में रहेंगे, एक करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लस, इसके ऊपर जब प्लस हो गया तो इसके ऊपर थोड़ा सा कलर से डार्क ले लेंगे, डार्क करेंगे तो अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद आप इसके कॉर्नर्स को ऐसे राउंड कर देंगे, तो ये देखिए एलसीडी का शेप परफेक्ट निकल आएगा इसके अंदर से, ठीक है।
अब उसको अगर आपने सपोज टू बी ऑल्टर के साथ थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर करना है, तो ऐसे करके थोड़ा सा सब कर दे ताकि चारों कॉर्नर इक्वल नज़र आए, और ये फिर आपको इस तरह से नज़र आएगा। सही लग रहा है? अब बना रहे हैं आपने इसका स्टैंड। तो स्टैंड कैसे बनेगा, देखिए इसी सर्कल से हम स्टैंड निकालेंगे इसका। तो यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल लेके इसको इस तरह से रख लिया। इस सर्कल को मैंने क्या किया, एक डुप्लीकेट कर लिया और उसके 50% पे ले आया। 50% में ला के मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, और उसको क्लिक किया, दोनों को शेप बिल्डर लिया, उसको यहाँ पे क्लिक किया और ऑल्टर के साथ इन दोनों को डिलीट कर दिया। ये एक साइड निकल आई, क्लिक किया ऑल्टर के साथ, और इसको मैंने अच्छा जैसे 2-3 जब एक शेप के ऊपर दूसरा शेप ओवरलैप करता है ना, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ये दिखाता है 1, 2, 3 शेप है। शेप बिल्डर लेके ऑल्टर दबाएंगे और फिर जिस शेप पे हम घुमाएंगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा हमें, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, ये इसका अपोजिट आ गया, ऐसे भी आ सकता है, वर्टिकल कॉपी लेंगे इसकी, ये एक कॉपी आ जाएगी इसकी, इस कॉपी को उठाएंगे और इसको इसके आगे शिफ्ट के साथ ऐसे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक और सर्किल लेंगे जो इसके नीचे पैंदे का काम करेगा, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको उठा के इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। सही बन गया स्टैंड, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, और ग्रुप करके इसको क्लिक करके इसके साथ इसको बेस बनाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको एक और क्लिक, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, और इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और इसको छोटा करके इसको थोड़ा इससे लाइट कलर दे देंगे, सही लगा। इसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से करेंगे ग्रुप, और उठा के लेकर आएंगे इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे शिफ्ट के साथ, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा कीबोर्ड से ऊपर भी रहे, सही है बिल्कुल। और इस पर राइट बटन दबाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, सही लग रहा है। तो इसके बाद क्या करना है, अपने इस कीबोर्ड को सारा डिजाइन करना है। अब कीबोर्ड को डिजाइन करना इतना मुश्किल नहीं, हमें कीबोर्ड का लेआउट देना है, लेकिन थोड़ा समझें, अगर थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कीबोर्ड में रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं। देखो कीबोर्ड में रो आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रोज आ रही है, और कॉलम कितने बन रहे हैं। अब कॉलम सेक्शंस में बना, 1, 2, 3 सेक्शंस हैं इसके, ठीक है। अब आप क्या करें, इस कीबोर्ड को मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने ये करना है, इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आया। अब आप क्या करें, यहाँ पर एक ऐसे ही शेप लें, ऐसे स्क्वायर ले लें, और स्क्वायर शेप इस तरह से बनाइए, ठीक है, ये बन गया स्क्वायर शेप। इस पर कलर दे दीजिए, जैसे कोई भी कलर दे देंगे, कलर दे दिया हमने। अब इसको उठा के आपने इसको इस तरह से रखना है, इस पर इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ऑल्टर के साथ एक डुप्लीकेट लेना है इसका, और उसके बाद कंट्रोल डी करते चले जाना है। अब ये 6 बनने थे लेकिन ये तो बने 4, ठीक है। तो फिर थोड़ा डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, फिर जाके ये 4 से 6 बन जाएंगे। तो इधर आ गया, ये दूसरा हमने इधर ले लिया, तीसरा इसका इधर ले लिया, चौथा इधर ले लिया, थोड़े छोटे हो जाएंगे बटन, पट्टियों का साइज कम कर लेते हैं तो कुछ मामला बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अल्टर के साथ एक और पट्टी ले ली, कंट्रोल 2, 3, 4, 5, 6, स्पेस बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्लिक करते हैं और इनको भी, इन सबको क्लिक करते हैं, इसको बनाते हैं बेस, और यहाँ से हम कहते हैं गलत, ये वाला स्पेस में आ गया, इक्वल इक्वल स्पेस डिवाइड करना है, तो फिर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 इधर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, सेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से एक और बनाएंगे, ये एक और बारीक सी पट्टी, और इसको जो है आप थोड़ा सा खोल लें इसको, तो ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, फिर कम कर लेते हैं। उसके बाद इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, साइड से पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे इसको, इस तरह से खींच के लंबा करेंगे, क्लिक करेंगे और उसमें कलर दे देंगे, सपोज टू बी
ये टेढ़ा सही तरह नहीं हुआ, क्लिक करके यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल लेंगे ऑल्टर की मदद से, ओके कंट्रोल डी करते जाएंगे। ठीक सही हो गया। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरे को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और स्मार्ट शेप बिल्डर लेंगे, स्मार्ट बिल्डर ऑल्टर दबाएंगे, ओके ये आपका कीबोर्ड का जर्नल शेप निकल आया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे अब आपको इसमें जो जो मिलाने हैं, जैसे स्पेस का बटन मिलाना है, बड़ा करना है ना, जैसे हम ये लेते हैं कि भाई ये कंट्रोल हो गया, ये अल्टर हो गया, ये विंडो हो गया, और ये इसके बाद स्पेस है, तो ये स्पेस यहाँ से लेके हमने, ठीक है, इसका अल्टर कंट्रोल बना दिया। उसके बाद ये अब इंटर का बटन है, सपोज टू बी ये इंटर का बटन है, या थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये इंटर का बटन है, ठीक है, ये इंटर का बटन निकला है इसके अंदर। और फिर आपने यहाँ पे निकाला, जैसे कि ये एक बड़ा वाला इंटर होता है ना यहाँ पे, फिर ये आपने निकाला कि भाई ये यहाँ तक निकलेगा, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर ये जीरो का बटन निकाल दिया इसके अंदर से, इस तरह से। फिर इनको कुछ हाईलाइट करना है, तो जैसे इनके कलर्स कुछ और लगते हैं, अच्छा ये कलर्स इनके मिक्स हो गए उनके साथ, ये पीस तो अलग है, ये पूरा कलर क्यों चेंज कर रहा है, अब हो गया। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे भाई, ये एक अलग ही कलर से ऐसे नजर आ जाए, जैसे थोड़ी बारीक बननी पड़ती है वरना ये सही बन जाता। जैसे कि लगे कि बस हाँ भाई कीबोर्ड का ये जो है ना इन्होंने नहीं दिया इन्होंने स्टाइल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भाई जैसे अब ये नीचे वाला हिस्सा जो है, ये थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि कीबोर्ड जैसा है, थोड़ा फील नहीं आ रहा। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम कंट्रोल सी करें, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करें और इसको इसके पीछे भेज दें, सेंड टू पैक कर दें, और उसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दें, और यहाँ साइडों से ऐसे करके थोड़ा सा बाहर कर लें, और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी इसे बाहर कर लें, ताकि शेप आए कि हाँ भाई ये कीबोर्ड का एक सेगमेंट है, और यहाँ से क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है ना। और फिर उठा के इसको हम यहाँ पर ले जाके सेट कर दें, सही। अच्छा अब आते हैं सीपीयू के ऊपर। तो सीपीयू पे आपने क्या करना है, ऐसे ही इसके इसका एक डुप्लीकेट ले लें, क्योंकि इसकी विड्थ सेम रहेगी, और हाइट को कम कर लें, ठीक है, और थोड़ी सी विड्थ को कम कर लें थोड़ी सी, और इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इसको सेंटर बनाएं, लेफ्ट राइट सेंटर करें, टॉप पे सेट करें, और यहाँ पे क्लिक करके उसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर दें, जैसे डार्क कर दें, थोड़ी सी साइड्स को कवर अप कर दें, और थोड़ा ऊपर से नीचे कर दें, सही। ऑल्टर के साथ इसका एक डुप्लीकेट लें सेम डिस्टेंस के साथ, कंट्रोल डी कर दें, फिर ऑल्टर के साथ एक और डिस्टेंस एक और ले लें, कंट्रोल डी ले लें। बस उसमें करना ये होता है कि स्केलोपी थोड़ी छोटी होती थी साइज में, तो इसका बेसिक शेप में ये चीज़ ऐड तो है, तो ये इसको इस तरह से बनानी है, सही। फिर इसी को इनिशियल आए यहाँ पर इस जगह पे, थोड़ा सा इसको और कम कर लें, तो फिर यहाँ पे एक डिजाइन कंप्लीट कर लें इसका, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इस पे थोड़ा सा डिजाइन डालना है, तो एक डिजाइन ये भी डाल सकते हैं हम, इसके अंदर क्लिक करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इसका यहाँ पे कोई एंकर है नहीं, तो चले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, गोल हो जाएगा, पर ये एक चीज ये करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से लेके ऐसे एक शेप बनाते हैं, और बन गया।
अब ये डिज़ाइन हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये डिज़ाइन इसके साथ इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह का एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर से इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन इसमें क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया इसके बटन्स, तो सर्किल एक बनाएंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं होता, उसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, छोटा करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, उसको क्लिक करेंगे, इसका एक इससे एक पॉइंट हल्का कलर लेंगे उसमें, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ से क्लिक करके इसको उस पर थोड़ा ज़्यादा हल्का वाइट कलर देंगे, क्रॉप करेंगे और इसको उठा के लाकर इसके सेंटर में। सही है। अच्छा, अब ये इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, जैसे अब इसको हम 200 में कर देते हैं, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, फॉन्ट ले लिया थोड़ा सा, शिफ्ट के साथ ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे पिक्सल्स और ग्राफिक्स में, तो करेंगे क्या, इसको एक्सपेंड, ओके, और वंस अगेन एक्सपेंड, इससे क्या फायदा होगा, अब इससे आप देखें, मैं इसको 100% पे देख रहा हूँ, और मैं अब देख रहा हूँ उसको 300% पे, मैंने सेलेक्ट किया इसको, अब जितना छोटा करना चाहे आप कर लें, हर चीज इक्वल रहेगी, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो इस तरह से जितना चाहेंगे आप इसको, अब एक्सपेंड करने के बाद छोटा बड़ा कर लें, सही रहेगा, बाद में ले जाके आपने इसको इस जगह पे फिक्स करना है, तो अभी हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। चले, ये वाला जो बना है उठाया, यहाँ लाए, थोड़ा सा साइज में छोटा किया, ग्रुप किया, और उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में बिठाना है, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट किया, इसको बेस बनाया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, और ये देखेंगे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेक्चर लेना है।